ज्वलंत श्री अरविंद आश्रम पांडुचेरी द्वारा प्रकाशित माता पुस्तक से लिए ये क्षण मैं आप तक प्रस्तुत करता हूँ। दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से ही वह महान और कठिन कार्य पूरा हो सकता है जो हमारी साधना का लक्ष्य है। एक है दृढ़ और अटूट अभिप्सा जो नीचे से पुकारती है, और दूसरी है भगवत कृपा जो ऊपर से उसका उत्तर देती है। किंतु परम भगवत कृपा केवल प्रकाश और सत्य की स्थितियों में ही कार्य करेगी, असत्य और अज्ञान द्वारा लादी हुई स्थितियों में नहीं। क्योंकि यदि वह असत्य की मांगों के सामने झुक जाए तो अपने उद्देश्य को ही विफल कर देगी। प्रकाश और सत्य की स्थितियां ही एकमात्र वे स्थितियां हैं जिनमें परम शक्ति नीचे उतरेगी, और केवल वह उच्चतम अति मानसिक शक्ति ही ऊपर से उतरकर और नीचे से खुलकर भौतिक प्रकृति का सफलतापूर्वक काबू पा सकती है और इसकी कठिनाइयों को नष्ट कर सकती है, उसे जीतकर अपने हाथों में ले सकती है। होना चाहिए पूरा और सच्चा समर्पण, होना चाहिए भगवान की शक्ति की ओर उद्घाटन, अपने को अनन्य रूप से खोलना। जो ऊपर से उतर रहा है उसे हर क्षण पूरी तरह अपनाना चाहिए। पार्थिव प्रकृति पर मन, प्राण और देह की जिन शक्तियों और रूपों का शासन चल रहा है उनके मिथ्यापन को हर क्षण पूरी तरह अस्वीकार करना चाहिए। यह समर्पण संपूर्ण और सत्ता के अंग प्रत्यंग को लिए हुए होना चाहिए। इतना ही काफी नहीं है, हत्य पुरुष स्वीकार कर ले, मन का उच्चतर भाग मान ले, अंत प्राण अधीन हो जाए और देह की अंदर की चेतना उसका प्रभाव अनुभव करे। वरन सत्ता के किसी हिस्से में, यहाँ तक कि बाहरी से बाहरी अंग में भी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसे किसी प्रकार का कोई संकोच हो, जो किसी संशय, अस्पष्टता और छल कपट के पीछे छिपी हो, जो विद्रोह करती हो या इनकार करती हो। यदि सत्ता का एक हिस्सा तो समर्पण करे, लेकिन दूसरा अपने आप को रोक ले, अपने ही रास्ते चले या अपने ही शर्त रखे, तो समझ लें कि जब जब ऐसा होता है तब तब तुम अपने आप ही भगवत कृपा को अपने पास से दूर हटा देते हो। यदि तुम अपनी भक्ति और अपने समर्पण के पीछे अपनी इच्छाओं को, अहंकार की मांगों को और प्राण के हठों को छिपाए रहो, यदि तुम चीजों को या इन्हें सच्ची अभिप्सा के साथ मिला दो और इन्हें भगवती शक्ति पर लादना चाहो, तो रूपांतर करने के लिए तुम्हारा भगवत कृपा को पुकारना बेकार है। यदि एक ओर से या एक भाग में तुम अपने आप को सत्य के लिए खोलो और दूसरे ओर के दरवाजे लगातार विरोधी शक्तियों के लिए खोलते जाओ, तो यह आशा व्यर्थ है कि भगवत कृपा तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें मंदिर को साफ रखना होगा यदि तुम उसमें सजीव रूप से भगवान की प्रतिष्ठा करना चाहते हो। यदि जब जब शक्ति आए अपने साथ सत्य को लाए, तब तब तुम उसकी ओर से पीठ फेर लो और फिर से निकाले हुए असत्य को बुला लो, तो तुम भगवत कृपा को सहायता न देने का दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष है तुम्हारे अपने संकल्प के मिथ्याचार का, तुम्हारे अपने समर्पण की कमियों का। यदि तुम सत्य के लिए पुकार करो लेकिन साथ ही तुम्हारे अंदर कोई चीज असत्य, अज्ञान और अभागवत का वरण करती रहे या इन्हें पूरी तरह छोड़ना ना चाहे, तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण का मार्ग सदा खुला रहेगा और भगवत कृपा
तुमसे पीछे हट जाएगी। पहले यह पता लगाओ कि तुम्हारे अंदर क्या मिथ्या है, क्या अंधकारमय है, फिर दृढ़ता से उसे निकाल कर बाहर करो। तभी तुम रूपांतर के लिए भगवान की शक्ति को पुकारने के अधिकारी बनोगे। यह कल्पना ना करो कि भगवान को निवेदित किए गए घर में सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार, समर्पण और स्वार्थ साथ साथ रहने दिए जाएंगे। रूपांतरण सर्वांगीण होना चाहिए, अतः उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं का त्याग भी सर्वांगीण होना चाहिए। यह मिथ्या धारणा त्याग दो कि तुम चाहे भगवान की शर्तों का पालन न भी करो, भगवती शक्ति तुम्हारे लिए तुम्हारी मांगों के अनुरूप सब कुछ कर देगी। यह करने के लिए बाधित है। अपने समर्पण को सच्चा और संपूर्ण बनाओ, तभी तुम्हारे लिए बाकी सब कुछ किया जाएगा।